बोलने की आदत है ना, तो मैं कितना भी अच्छे कपड़े पहन लूँ, कितना भी अच्छा दिख लूँ या कुछ भी कर लूँ, कितना भी सक्सेस हो जाऊँ, पर वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप सारे मज़े में हो, अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख लो, मज़ा आ जाएगा। और आज दोपहर के क्लास में नहीं गया हूँ क्योंकि मम्मी को एक्चुअली हॉस्पिटल ले जाना था। सो का मौसम तो अभी तो साफ लग रहा है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल भी भरवा लिया है और बनानास भी ले लिए, क्योंकि आज मंडे है तो अपना फास्ट है। तो हर बार बाहर का खाता हूँ तो मैंने सोचा कि आज कुछ फ्रूट्स या ऐसा खाएंगे लंच के टाइम पे। तो अभी थोड़ी देर बैठा हूँ, एक एडिटिंग थोड़ा सा बाकी है वो करूँगा। चीज़ और मैं बता दूँ, आज नहा रहा था मैं, और नहाने के बाद जब मैंने टॉवल यूज़ किया तो उसमें बहुत सारी चींटियाँ थी, तो सारे काट ली जाए मेरे को। तो क्लास का टाइम हो गया है अभी, तो क्लास पे जा रहे हैं। फिर आज कब फ्री होंगे पता नहीं है। क्लास में तो आ गए, पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो बाजू में एक्चुअली वॉशरूम है, तो वो वॉशरूम में से शायद कोई पाइप खुल गया होगा या नल कुछ खुल गया होगा, तो उसकी वजह से सारा पानी इधर आ गया है। चलो अभी क्या करेंगे, अभी पंखे चालू करेंगे, गर्मी लग रही है। और अभी जब आ रहे थे ना बाहर से, तो इतनी कड़ी धूप पड़ रही थी और बारिश गिर रही थी। क्या करना चाहते हो इंद्रदेव? क्लास तो ख़त्म हो गए, आज से भी नया स्टार्ट होने वाला था गरबा, वो भी चालू हो गया है। तो अपने अभी आराम करेंगे एक घंटा और इनके साथ में। तो बहुत बड़े सर क्लास ले रहे, तो मैं ना आपको सब ख़त्म करके यही बोलता हूँ। तो सारे काम तो एक्चुअली निपटा दिए, पर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो आगे का वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को वीडियो को छोड़ा था और आज सुबह मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ उसको। तो कल एक्चुअली टायर्ड भी ज़्यादा हो गया था, फास्ट था तो एनर्जी भी थोड़ा लो था, तो दिमाग की भी थोड़ी धजिया उड़ी थी, तो इसलिए रात को मैंने कुछ ज़्यादा सूट ही नहीं किया। तो अभी सारे क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें की जाए थोड़ी सी। तो मैंने सोचा वीडियो को अभी एंड भी कर देंगे और कुछ बातें शेयर करनी तो बातें भी शेयर कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट करूँ ना वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ तो बात स्टार्ट करते हैं। तो दिमाग की धजिया क्यों उड़ी थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली हम कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। सो पहले तो सब लोगों ने हाँ हाँ बोला कि हाँ चलेंगे, डेट फाइनल कर लेते हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और थोड़ा लंबा एक्चुअली ट्रिप होने वाला था, और वो लोग ने मना कर दिया एंड मोमेंट पे। अभी तक सब हाँ ही बोल रहे थे, पिछले एक डेढ़ महीने से इसका प्लानिंग चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा दिमाग ख़राब था। अगर नहीं आना था तो पहले से मना कर देते, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड किया, उससे अच्छा मैं पहले ही चला जाता। फिर एंड मोमेंट पे अभी जब डेट नज़दीक आई है, जाने का टाइम आया है, तो सारे मुकर गए। ऐसे लोगों पे एक्चुअली मेरे को बहुत गुस्सा आता है। अगर नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देते, खाली फोको में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी बहुत टाइम से ना मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ लोगों से, मेरे को हर रोज़ कुछ नया नया सीखने को मिलता है, मज़ा भी आ रहा है और प्रॉब्लम भी, मतलब मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा दुख भी लग रहा है, मज़ा तो आ ही रहा है। खैर समझ में आ रहा है कि लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो पिछले कितने टाइम से मैं बहुत ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, लोग कौन कौन सी हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सब पता चल गया है। चीज़ और मैं इसके साथ में ऐड ऑन करूँगा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया इतना सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, कि आदमी की ना, मतलब आदमी तो नहीं बोल सकते, इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो सकती है कभी भी, और उसकी फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती है। ओके, तो उसमें कैसा है, तो अगर मेरे को झूठ बोलने की आदत है ना, तो मैं कितना भी अच्छे कपड़े पहन लूँ, कितना भी अच्छा दिख लूँ या कुछ भी कर लूँ, कितना भी सक्सेस हो जाऊँ, पर मेरी फितरत कभी चेंज नहीं होगी। ओके, जो झूठ बोलते हैं वो झूठ बोलते ही रहेंगे, और जिसकी फितरत होगी सच्चाई
बोलने की, तो वो कितना भी मुश्किल आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, फिर भी वो सच्चाई ही बोलेगा। तो ये फितरत का है जो भी है। अगर आपको पहले से ही आपके खून में ही एक चीज़ आ गई है जो वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। आपकी ज़बान चेंज हो सकती है, आपके कपड़े चेंज हो सकते हैं, पर फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती। मेरे को एक बार कोई प्रॉमिस कर देता है उसके बाद में मुकर जाता है, नहीं तो मेरे को ऐसा होता है उसका मुंह तोड़ दूँ मैं। पर क्या करें, सारे अपने ही हैं, तो पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जाना था तो पहले ही मना कर देते, तो इतना सारा टाइम ही एक्चुअली वेस्ट नहीं होता। अभी तक तो मैं जाके वापस भी आ गया होता, ऐसा था। और थोड़ा लंबा ट्रिप है तो अकेले तो जाना वहाँ पे इम्पॉसिबल है। अभी के मुकाबले थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा स्टेबल हो गया उसके बाद में तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, पर वो ग्रुप में जाते तो ही अच्छा था, मेरे को ऐसा लग रहा है। पर अपने तो ट्रिप करने ही वाले हैं, कुछ भी हो जाए। तो बस यही वाली बात आप लोगों से शेयर करनी थी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो कर देना। आपको मिलते हैं कल, बाय।